हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. टुडे आई एम गोइंग टू कंटिन्यू आवर चैप्टर नंबर 7. टुडे वी विल डिस्कस एक्सेसिंग आइटम कीज एंड वैल्यूज, हाउ वी कैन एक्सेस डिक्शनरीज एलिमेंट कीज एंड वैल्यूज. ठीक है, आज हम देखेंगे कि हम डिक्शनरी के एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग मेथड्स मींस फंक्शन. ठीक है, डिक्शनरी के बहुत सारे फंक्शंस हैं, मेथड्स हैं, जिनके थ्रू हम इजीली उनके एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, एलिमेंट्स को अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट मेथड इज फ्रॉम पेज नंबर 237. पेज नंबर 237 से फर्स्ट मेथड है गेट मेथड. By using this get method, we can access elements, any elements of that dictionary. ठीक है, get method का use करके हम dictionary के किसी भी elements को access कर सकते हैं. ठीक है, अब इसका जो example के through देखते हैं, आपकी book में दिया page number 237 में एक employee one नाम की dictionary है. ठीक है, 237 में employee one नाम की dictionary है. ठीक है, example के through समझते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा. EMP1 ये नाम की डिक्शनरी है. ठीक है, इसमें थ्री एलिमेंट्स हैं, फोर एलिमेंट्स हैं. ठीक है, फर्स्ट सैलरी, सेकंड डिपार्टमेंट, थर्ड एज एंड फोर्थ इज नेम. तो हम फर्स्ट इज सैलरी, कॉमा एज 24, देन नेम सपोज राहुल. ठीक है, मैं थ्री एलिमेंट ही लेके चलता हूँ. तो इसमें सैलरी क्या है, की है. ठीक है, इसमें एज भी की है और नेम भी की है, और उसकी वैल्यू क्या है करस्पॉन्डिंग दैट की, ये उसकी वैल्यू है. ठीक है, क्लियर है. डिक्शनरी हमेशा किस में होती है, कर्ली ब्रेसेस में होती है, इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो. ठीक है, अब मुझे कोई भी एलिमेंट की वैल्यू एक्सेस करनी है. सपोज मुझे एज को एक्सेस करना है. ठीक है, एज को एक्सेस करना है तो गेट मेथड के थ्रू आप कर सकते हो. तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले डिक्शनरी का नेम लिखना है. डिक्शनरी नेम इज EMP1. ठीक है, EMP1 डिक्शनरी का नेम है. ठीक, फिर डॉट गेट मेथड, डॉट लगा के आपको गेट फंक्शन भी बोल सकते हो, मेथड भी बोल सकते हो. ठीक है, पैरेंथेसिस ओपन होगा, फिर उसके बाद आपको हाँ, आप कोई भी फंक्शन, कोई भी मेथड कॉल करना है तो डॉट लगा के करना है. ठीक है, डॉट, फिर उसके बाद इसमें जस्ट आप डिक्शनरी का की टाइप कर दो, जो भी की आप एक्सेस करना चाहते हो. ठीक है, तो यहाँ पर एज की वैल्यू क्या है, 24. तो क्या आउटपुट प्रिंट होगा आपको, 24. ठीक है, इस टाइप से आप एक्सेस कर सकते हो किसी भी की को. अब इफ़ यू ओनली स्पेसिफाई द की एज आर्ग्यूमेंट विच डज नॉट एग्जिस्ट इन द डिक्शनरी. अब ऐसी की आप टाइप करो, सपोज इसमें कौन कौन सी की है, सैलरी है, एज है, नेम है, एड्रेस है क्या इसमें, नहीं है. अगर आप एड्रेस प्रिंट करना चाह रहे हो, सपोज आप ऐसी की जो एग्जिस्ट ही नहीं, मतलब कहने का मतलब ऐसी वैल्यू जो उसमें है ही नहीं. ठीक है, अच्छा, इस डिक्शनरी में हम वैल्यू को कैसे एक्सेस करते हैं, की हेल्प से. ठीक है, जैसे मुझे इसकी वैल्यू प्रिंट करना है तो मैंने क्या किया, की हेल्प से ही प्रिंट कर सकते हो. ठीक है, तो अब मैं ऐसा की लिख रहा हूँ जो उसमें एग्जिस्ट ही नहीं है, एड्रेस है क्या उसमें, एड्रेस नहीं है, तो क्या होगा, एरर शो करेगा. ठीक है, क्या एरर शो करेगा, नेम. ठीक है, आपकी बुक में दिया हुआ नेम, फिर सिंगल कोट में एड्रेस इज नॉट डिफाइंड, ये ऐसा एरर शो करेगा. ठीक है, ये फिक्स एरर है जो एग्जिस्ट नहीं है, अगर की एग्जिस्ट नहीं करता तो एरर शो करेगा. ठीक है, फिर नेक्स्ट इसमें एक और कंडीशन है, इन प्लेस ऑफ एरर यू कैन ऑल्सो स्पेसिफाई यूअर ओन कस्टम एरर मैसेज एज सेकेंड आर्ग्यूमेंट. ठीक है, अब जैसे एक एरर अभी थोड़ी देर पहले दिया हुआ पेज नंबर 237 में, वो फिक्स है, वो आपको ऐसा ही शो होगा. ठीक है, पर आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग भी एरर फिक्स कर सकते हो. कैसे फिक्स कर सकते हो, डिक्शनरी नेम डॉट गेट, फिर इसमें जैसे एड्रेस, एड्रेस की नहीं है. ठीक है, अब इसमें एरर कैसे फिक्स करना है, कुछ नहीं, इसके बाद आपको क्या करना है, कॉमा देना है, और कॉमा के बाद आप जो भी मैसेज देना चाहते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, वो फिक्स कर सकते हो. ठीक है, जैसे लिख दो आप एरर एड्रेस की नॉट प्रेजेंट,
आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी मैसेज दे सकते हो, ये आपके ऊपर है। इसको बोलते हैं कस्टम मैसेज, ठीक है। बस ये लिख दिया आपने। अब ये एड्रेस की है क्या इस डिक्शनरी में? नहीं है, तो क्या मैसेज शो होगा? एरर शो होगा, एरर एड्रेस की ही नॉट प्रेजेंट। ठीक है, ये मैसेज। तो ये क्या होगा, आप इस मेथड में एक फैसिलिटी और दी गई है कि आप कस्टम मैसेज दे सकते हो। अगर कोई की प्रेजेंट नहीं है तो आप अपने अकॉर्डिंग जैसा मैसेज देना चाहो दे सकते हो, ठीक है। तो एरर शो होगा, ठीक। तो ये गेट मेथड का यूज था। नेक्स्ट मेथड इज आइटम मेथड। अब देखते हैं आइटम मेथड का क्या यूज है। आइटम्स मेथड, ठीक है। This method returns all the items in the dictionary as a sequence of key, comma, value, tuples, ठीक है। ये method क्या करता है, एक dictionary में जितने भी elements होंगे, ठीक है, key और value के pair में, उनको return करता है। किस form में? Tuple के form में return करता है, ठीक है। जैसे ये आपके सामने dictionary है, ठीक। अब मैं इसके सारे items को print करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये कैसे return, कैसे print होगा? Key और value के pair में, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, emp डिक्शनरी नेम लिखना है, ठीक है। और कोई भी फंक्शन कॉल करने के लिए डॉट लगाओ और आइटम्स, ठीक। बस आपको इतना लिखना है, अच्छा। अब ये क्या करता है, टपल्स के फॉर्म में रिटर्न करता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा। एक कोई भी वेरिएबल ले लो, सपोज मैं सीक्वेंस नाम का एक वेरिएबल लेता हूँ या सीक्वेंस वन नाम का वेरिएबल लेता हूँ। आपको लिखना है emp1.items, ठीक। ये बस इतना लिखना है। तो ये क्या करेगा, ये फंक्शन क्या करेगा या ये मेथड क्या करेगा, ये जो डिक्शनरी है इसको टपल के फॉर्म में रिटर्न करेगा, ठीक है। किस सीक्वेंस में? टपल के। और किस में आ जाएगा वो? सीक्वेंस में आ जाएगा, ठीक है, सीक्वेंस वन में, ठीक है। अब आप इसको चाहो तो प्रिंट कर सकते हो। आप यहाँ पे लिखो प्रिंट, ठीक। अच्छा, ये जो कोड लिखोगे ना, ये तो आप किस में लिखोगे? स्क्रिप्ट मोड में लिखोगे, ठीक है। उसको किसी भी पाइथन के नाम से सेव कर देना, ठीक है। यहाँ तो मैं सिंगल सिंगल लाइन लिख रहा हूँ, ठीक है। आपको कैसे फिर प्रिंट करना है? सीक्वेंस वन, ठीक है। तो जब आप उसको प्रिंट करोगे तो किस फॉर्म में प्रिंट करेगा? टपल के फॉर्म में प्रिंट करेगा। तो टपल किस, अच्छा, फर्स्ट है सैलरी। तो टपल को आप जानते हो कैसे आइडेंटिफाई होता है, राउंडेड ब्रैकेट में रहता है, ठीक है, कॉमा 1000, फिर ये क्लोज होगा, फिर अपना है एज, एज कॉमा, अच्छा, जो जो की स्ट्रिंग के फॉर्म में, अच्छा, की हमेशा किस में होती है? सिंगल कोट में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नेम, वो है राहुल। तो ये राउंडेड ब्रैकेट में है, तो समझ जाओ ये क्या है, टपल है, ठीक है। तो ये हमेशा जो भी आपका डिक्शनरी के थ्रू आप जब आइटम्स मेथड को कॉल करोगे तो वो टपल के फॉर्म में रिटर्न करता है, तो वो एक वेरिएबल में असाइन हो जाता है। आप उसको फिर प्रिंट करोगे तो इस फॉर्म में आपका वो प्रिंट होगा, ठीक है। तो ये राउंडेड ब्रैकेट में है क्योंकि वो टपल के फॉर्म में रिटर्न करता है, ठीक है, की वैल्यू के पेयर में, की वैल्यू के पेयर में, ठीक है। अब अगर आप लूप के थ्रू उसको एक्सेस करना चाहते हो तो आप उसको लूप के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। आपकी बुक में पेज नंबर 237 में लास्ट में देखोगे, ठीक है, सबसे नीचे में 237 में, पेज नंबर 237 देखो, उसमें क्या किया है, उसने एक डिक्शनरी है और उस डिक्शनरी को किसके थ्रू एक्सेस किया है, एक लूप के थ्रू एक्सेस किया है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। लूप के थ्रू एक्सेस किया, उसमें क्या लिखा है, फॉर के वी कॉमा वी एल इन सीक्वेंस वन, ठीक है। सीक्वेंस सीक्वेंस बोलेंगे एस ई क्यू एक वेरिएबल लिया है, ठीक है। इसको हम प्रैक्टिकली लैब में देखेंगे, ठीक है, इसका वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा प्रैक्टिकल का, लूप के थ्रू बताऊंगा उसमें, ठीक है। ईजी है ये, तो आप लूप पहले भी यूज किए होगे तो पता होगा आप लोग को, की और वैल्यू इन सीक्वेंस, इन मतलब पता ही आपको, मेंबरशिप ऑपरेटर है। चलिए जो नेक्स्ट मेथड है वो देख लेते हैं, की मेथड।
अब देखते की मेथड का क्या यूज होता है। वैसे की मेथड और वैल्यू मेथड आप पढ़ चुके हो पहले, अगर इसके पहले वाला मेरे वीडियो अटेंड किए होगे तो। की मेथड, दिस मेथड रिटर्न ऑल द की इन द डिक्शनरी एज अ सीक्वेंस ऑफ द कीज। ठीक है, ये क्या करता है, डिक्शनरी में जितनी की होंगी ना उनको ये रिटर्न करता है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी की है, सैलरी है, एज है और नेम है। तो इसको कैसे लिखना है आपको, कुछ नहीं, डिक्शनरी का नेम लिख, डिक्शनरी नेम के साथ डॉट लगाना है, फिर उसके बाद लिखना है कीज। ठीक है, एस लगेगा, की मेथड नहीं है, कीज मेथड है। ठीक है, कीज। ठीक है, तो ये जैसे आप लिखोगे डिक्शनरी के नेम के साथ कीज, तो ये क्या करेगा, जितनी की है उनको एक लिस्ट के फॉर्म में रिटर्न करता है। ठीक है, किस फॉर्म में रिटर्न करता है, लिस्ट के फॉर्म में। तो लिस्ट मतलब स्क्वायर ब्रैकेट लगना है। ठीक है, अब फर्स्ट की क्या है, सैलरी है, सेकंड है आपका एज, थर्ड है नेम, इस टाइप से ये रिटर्न करेगा। ठीक है, तो कीज मेथड के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, जितनी भी डिक्शनरी में की है वो रिटर्न करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है वैल्यूज मेथड। ठीक है, सेकंड है आपका वैल्यूज, ये क्या करेगा, डिक्शनरी में जो वैल्यूज है उनको रिटर्न करेगा। ठीक है, क्या लिखना, क्या कैसे लिखोगे, emp1.values, और किस फॉर्म में रिटर्न करेगा, ये भी लिस्ट के फॉर्म में रिटर्न करेगा। लिस्ट मतलब ये स्क्वायर ब्रैकेट में। ठीक है, इसमें क्या है, 10,000 है। अच्छा, ये की है तो की हमेशा सिंगल कोट में रहता है। ठीक है, और वैल्यूज के लिए कोई जरूर सिंगल कोट नहीं है, फिर कॉमा से सेपरेट होकर शो होगा, ये ऐसा आउटपुट शो होगा। अच्छा हाँ, राहुल, राहुल स्ट्रिंग है तो वो सिंगल कोट में होगा। ठीक है, कहाँ पर, डिक्शनरी में, डिक्शनरी में तो कभी सिंगल कोट में नहीं आएगा, सिंगल कोट में सिर्फ की रहता है। डिक्शनरी में हमेशा जो की रहेगा वो सिंगल कोट में रहेगा, वैल्यूज विदाउट, विदाउट सिंगल कोट, कोई भी, कोई भी, चाहे स्ट्रिंग हो चाहे इंटीजर हो। ठीक है, बट हाँ कहाँ दिए, नहीं तो वो उसने प्रिंट किया है, ये यहाँ पर मैंने प्रिंट नहीं किया, डिक्शनरी ये क्रिएशन है। ठीक है, वो डिक्शनरी का क्रिएशन, पेज नंबर 238 में देखो ना, पेज नंबर 238 में जो एम्प्लॉई को उसने प्रिंट किया है, पता है, इसी को देखो ना, जब आप इसको प्रिंट करोगे ना, हाँ सिंगल कोट लगा हुआ ना, पेज नंबर 238 में देखो, कौन से हाँ बताओ, आइटम्स वाले में ना, हाँ अब देखो, हाँ ठीक है, इसमें दिया तो है, ठीक है लगा लो इसमें। ठीक है, जो भी स्ट्रिंग है ना उसमें लगा लो। ठीक है, पर इसी चीज़ को इसमें देखोगे तो चलो ठीक है, इसको हम लोग प्रैक्टिकली देख लेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकली करेंगे तो क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पर जैसे देखो, यह दिया होगा सिंगल कोट में, जब उसने प्रिंट किया, क्रिएट नहीं किया है, जब ऐसा इक्वल लगाते हैं ना तो क्या होता है, क्रिएशन होता है ये। ठीक है, और जब हम प्रिंट करते हैं तब वो सिंगल कोट में, चलो ठीक है प्रैक्टिकली देख लेंगे उसको। ठीक है, ये तो पता चल रहा है कि की हमेशा किस में होगा, सिंगल कोट में, और वैल्यू के लिए कंपलसरी नहीं, बस स्ट्रिंग है तो वो उसमें किस में रहेगा, सिंगल कोट में। ठीक, तो ये वैल्यूज मेथड हो गई। अब जो नेक्स्ट है पेज नंबर 238 में, एक्सटेंड मींस अपडेट और डिलीट, अपडेट मेथड देखेंगे और डिलीट मेथड देखेंगे। ठीक है, अब कोई डिक्शनरी है, अब उसकी वैल्यू को आपको अपडेट करना है तो कैसे करोगे, अपडेट मेथड से अपडेट करोगे। ठीक है, अपडेट मेथड, ठीक है, द अपडेट मेथड मर्ज की वैल्यू पेयर फ्रॉम द न्यू डिक्शनरी इनटू द ओरिजिनल डिक्शनरी, एडिंग और रिप्लेसिंग एज नीडेड, द आइटम इन द डिक्शनरी आर एडेड टू द ओल्ड वन एंड ओवरराइड एनी आइटम्स ऑलरेडी विद द सेम की। क्या होगा डिक्शनरी में, अगर आप एक डिक्शनरी में कोई दूसरी डिक्शनरी ऐड करते हो, ठीक है, अगर कोई की उसमें पहले से एग्जिस्ट है तो क्या होगा, अपडेट कर देगा। ठीक है, अगर कोई की एग्जिस्ट नहीं है तो क्या करेगा, ऐड कर देगा। एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये एक डिक्शनरी है EMP1, अब इसमें मैं एक और डिक्शनरी क्रिएट कर रहा हूँ EMP2। ठीक है, इसमें मैं सैलरी ले ले रहा हूँ 20,000, एड्रेस ले ले रहा हूँ
रायपुर, एड्रेस मैंने ले लिया रायपुर, ठीक है। दो डिक्शनरी आपकी बुक में भी दिया है, पर थोड़ा सा बड़ा डिक्शनरी दिया है, एम्प्लॉय वन एम्प्लॉय टू। अब मैं क्या करूँगा, ईएमपी वन डॉट अपडेट, ठीक है, ईएमपी वन डॉट अपडेट, इसमें क्या करूँगा, ईएमपी टू को ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। ऐड नहीं कर सकते इसको, कह सकते एम्प्लॉय वन में मैं क्या अपडेट कर रहा हूँ, एम्प्लॉय टू को, ठीक है। तो इसमें इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होगा, एम्प्लॉय टू को मैं किस में ऐड कर रहा हूँ, एम्प्लॉय वन में, ठीक है। अब क्या होगा, देखो इस डिक्शनरी में सैलरी और ये सैलरी दोनों है, ठीक है, तो ये क्या होगा, अपडेट हो जाएगा। कौन सा अपडेट होगा, एम्प्लॉय वन। तो आप इसको प्रिंट करके, जब एम्प्लॉय वन को मैं प्रिंट करता हूँ, एम्प्लॉय वन को मैं प्रिंट करूँगा तो क्या आउटपुट होगा, दिखा बता रहा हूँ, सैलरी अपडेट हो जाएगा, क्योंकि वो की क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, ये की एग्जिस्ट कर रहा है इसमें, तो इसका अब जो हो जाएगा सैलरी क्या हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा, ठीक। अब देखो फिर एज एज इट इज वैसी रहेगा, क्योंकि वो ठीक है, नेम भी वैसी रहेगा, एड्रेस ऐड हो जाएगा, ठीक है, नेम भी, ठीक है, एड्रेस ऐड हो जाएगा क्योंकि वो नहीं था उसमें, ठीक है। तो जो की एग्जिस्ट नहीं करती है वो ऐड हो जाती है, और जो सॉरी जो की एग्जिस्ट है पहले से वो अपडेट हो जाएगी, और जो की एग्जिस्ट नहीं है वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, ठीक है। नोट कर लो, उसे बुक में दिया हुआ एग्जांपल। अब जब इसको प्रिंट करोगे ईएमपी टू को, तो क्या प्रिंट होगा, वो तो एज इट इज इसको प्रिंट कर देगा, ईएमपी टू को प्रिंट करोगे तो क्या आउटपुट प्रिंट होगा, एज इट इज इसको प्रिंट कर देगा, हाँ स्क्रिप्ट मोड में, ये आपको पूरा स्क्रिप्ट मोड में, ये स्क्रिप्ट मोड में लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद EMP1 ये ऐसा अपडेट करना पड़ेगा, फिर EMP1 को प्रिंट करना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे, प्रिंट EMP1, ठीक है, पूरा स्क्रिप्ट मोड में लिखना, ये तो मैं सिंगल सिंगल बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब EMP2 को प्रिंट करोगे तो क्या प्रिंट होगा, एज इट इज वैसे ही प्रिंट होगा, सैलरी क्या है, 20,000 है, उसमें तो कुछ चेंज होगा नहीं, क्योंकि हमने EMP2 में तो अपडेट किया नहीं है, किसमें किया, EMP1 में, ठीक है, कॉमा एड्रेस, रायपुर, ठीक है, ऐसा ये प्रिंट हो जाएगा, ये तो ये है ना, ठीक, क्योंकि अपडेट हो चुका है ना, क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट जो है, लास्ट है, डिलीट एलिमेंट फ्रॉम डिक्शनरी, किसी भी डिक्शनरी से एलिमेंट को डिलीट करना, अब डिलीट करने के लिए क्या होता है, डेल डेल स्टेटमेंट होती है, डेल फंक्शन नहीं होता, फंक्शन कैसा होता है, फंक्शन तुरंत पता चल जाता है, ये लगा तो फंक्शन है, तो क्या दो मेथड है, पहला है क्लियर फंक्शन है और दूसरा डेल स्टेटमेंट है, ठीक है। तो आप डेल स्टेटमेंट, वैसे प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया है डेल स्टेटमेंट कैसे यूज होता है, ठीक है, क्लियर मेथड बताता हूँ। अगर आप ये डिक्शनरी को डिलीट करना चाहते हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, डिक्शनरी का नेम और उसके बाद क्या लिखोगे, क्लियर मेथड, ठीक है। तो ये क्या करती है, इसके जो एलिमेंट्स हैं उनको डिलीट करती है, डिक्शनरी को डिलीट नहीं करती, ठीक है, इसके जो अंदर एलिमेंट्स हैं ना उनको वो डिलीट कर देगी, क्लियर मेथड, ठीक है, ये डिफरेंस। अब जब प्रिंट करोगे ना ईएमपी को, सपोज मैं ईएमपी को प्रिंट करता हूँ, ऐसा लिख के प्रिंट करूँगा, प्रिंट ईएमपी वन, जब मैं प्रिंट करूँगा तो क्या प्रिंट होगा पता है, एम्प्टी डिक्शनरी, एम्प्टी डिक्शनरी मीन्स उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो क्या किया, जितने भी एलिमेंट थे उसके डिलीट कर दिया, किस क्लियर फंक्शन का क्या यूज है, डिक्शनरी के एलिमेंट्स को डिलीट करता, हाँ ये पैरेंथेसिस है ना, ठीक है। तो ये क्या करती है, उसे कंटेंट को डिलीट करती है, ना कि डिक्शनरी को, ये डिक्शनरी जो है ना मेमोरी में अभी भी एग्जिस्ट है, ठीक है, इसीलिए क्या प्रिंट कर रहा है, एम्प्टी डिक्शनरी, ठीक है। बट डेल जो है, डेल स्टेटमेंट क्या करती है, पूरी की पूरी डिक्शनरी को ही डिलीट कर देती है, नहीं वो तो वापस नहीं आएगा, गया तो गया वो, ठीक है, अंडो क्लियर में गया वो तो मेमोरी से, आपने इसको रिमूव कर दिया तो कंटेंट डिलीट हो गया,
क्लियर से सिर्फ कंटेंट डिलीट होता है, डिक्शनरी डिलीट नहीं होता। इसलिए देखो एम्प्टी डिक्शनरी प्रिंट कर रहा है, मतलब ये मेमोरी में एग्जिस्ट है, ठीक है, बट उसके अंदर एक कंटेंट डिलीट। अब डेल स्टेटमेंट से क्या करना है आपको, कैसे लिखोगे, डेल ई एम पी वन, तो ये पूरी की पूरी डिक्शनरी को मेमोरी से डिलीट कर देता है विथ कंटेंट, कंटेंट भी डिलीट, डिक्शनरी डिलीट। अगर आप प्रिंट करना चाहोगे, अच्छा अब आप सोच रहे हो कि मैं प्रिंट करके देखूं, एरर शो करेगा, प्रिंट ई एम पी वन, तो क्या होगा, एरर शो करेगा, नॉट डिफाइन, ये तो बुक में दिखा, नेम एम्प्लॉई ऐसा बताएगा, नॉट डिफाइंड सबसे लास्ट में दिया हुआ, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये मेजर डिफरेंस है क्लियर और डेल स्टेटमेंट में, क्लियर है। सो दिस इज एंड ऑफ टूडेज क्लास एंड चैप्टर 7, ठीक है, आज का चैप्टर 7 यहाँ पे एंड होता है, ठीक। प्रैक्टिकल वीडियोस में आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है, चलिए आज की क्लास यहाँ पे क्लोज समाप्त करते हैं।